हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो यार वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो नया व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो यार हमारी ना यूनी वालों ने हमारे मिड्स रमज़ान में रख दिए हैं। तो किन किन के पेपर्स हैं रमज़ान में वो कमेंट में बताओ। तो ये ना यार काफ़ी जुल्म की बात है कि रमज़ान में पेपर हैं, तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं अब सारी रात तैयारी करता रहा हूँ। तो फिर अब जाते हैं, देखते हैं क्या होता है, पेपर कैसा होता है। बस रेडी हो चुका हूँ तो निकलते हैं यूनी के लिए। पर रमज़ान में यार पेपर बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बच्चे रेस्ट करें, आराम से सुकून करें। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं यूनी वाले? कमाल हैं, पेपर रख देते हैं। और मैंने सुना है कि बोर्ड्स के पेपर भी स्टार्ट हुए हुए हैं। तो ये यार काफ़ी ना बुरी बात है। तो रमज़ान में मेरे ख्याल में पेपर नहीं होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताएँ। तो बस व्लॉग स्टार्ट करते हैं न्यू। और यार मेरे पास ना पेंसिल वगैरह नहीं है, ये दो हैं तो रस्ते से वो भी ले लेंगे, क्योंकि पेपर में माहौल वगैरह बनाना पड़ता है ना, प्रेजेंटेशन वगैरह, तो वो रस्ते से लेते हैं बाकी सामान। और यार अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस यार मैं अब रास्ते में हूँ तो यूनी पहुँचने वाला हूँ। यूनी पहुँचते हैं फिर अपना पेपर वगैरह देते हैं। बुरा हाल है, पता नहीं है पेपर किस चीज़ का है। पेपर की तैयारी है कि नहीं है? पेपर क्या, अभी सोया नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है किस चीज़ का पेपर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपको पता है किस चीज़ का पेपर है? मुझे भी पता नहीं है यार अभी तक। अलग का अरे तूने टेंशन नहीं, सारा पेपर मैं करा दूंगा तुझे, ठीक है? मैं तेरे सहारे बैठा हूँ, कोई मसला भी नहीं है। मैं तुम्हारे सहारे बैठा हूँ, बस करवा दे, पास करवा दे। नो प्रॉब्लम, नो पास करवा दी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारा ना पेपर वगैरह एंड हो चुका है तो मुझे दोस्त मिल गया, इनसे हाल हवाल। जनाब क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा पेपर हुआ आपका? मैं ए पास है तो मैं ही पास हूं। उर्दू में समझाएं ना यार। यार मैं ये पास है तो मैं भी पास हूं। आपको लगता है अच्छा नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल छूट गया यार। यार वैसे रोज में पेपर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए यार? नकल नहीं मार सकते। नकल वाली बात है, नकल नहीं मारते, बिल्कुल यही बात है। एक दो लड़के ने मुझे भी बोले कि यार आपने मुझे पेपर करवाने हैं, रमजान की वजह से ना मैं उसे पेपर नहीं करवा पाया। बिल्कुल, बिल्कुल। लगता है आपकी चीटिंग नहीं लगी? नहीं लगी तो यही अरमान लगा हुआ है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आपने अफसरदा नहीं होना इंशाल्लाह। पेपर से क्या होता है, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल इंशाल्लाह, अगला साल जिंदा रहे तो। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या कह रहे थे? टाइम लिखा हुआ था 2 घंटे। अच्छा, मैंने कहा बस ठीक है, अब मेरी कुत्ती ट्रक तले नहीं आती। आराम आराम से शुरू किया है कि हाँ अच्छा ठीक है शुरू करते हैं। वो जो सर ने एक बार, दो बार, तीन बार, मैंने सर स्पीड से इंग्लिश थी, हमें आती नहीं है यार। वो फिर यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, इसमें क्या बात है फिर? वो आती होगी तो टाटो वाले स्कूल से उठाए। अच्छा फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर वही बात, सर ने उधर से उतार के आओ चलो बस खत्म। गजब बेइज्जती है। आपने ना सबसे पहले परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, इंशाल्लाह इस साल नहीं तो अगले साल आप फिर ट्राई करें। बल्कि ये तो मिड्स हैं, इनका तो कोई नहीं होता। ये अगर फेल भी हो जाए तो इनके नंबर मेरे ख्याल में एनुअल में ऐड होंगे, वो मिला के देख के आप पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करो बस, दुआ के आखिर पास हो लगता है। हमारी दुआ है यार आपके साथ, वो दुआ जहाँ पर काम नहीं काम आता वहाँ पर दुआ काम आता। दुआ अल्लाह पे भरोसा रखे। हाँ जी बताएं, आपका हो गया पेपर? हाँ यार हो गया। कैसे हुए यार? बहुत ही अच्छा हुआ है हमारा। आप बैठे तो बिल्कुल ऐसे ही थे, मुझे तो नहीं लगता आपका अच्छा हुआ होगा। गजब बेइज्जती है।
नहीं यार आप देख लेना, रिजल्ट आए तो फिर पता चलेगा आपका। ये ना आप फेल हुए पड़े हो, क्या मसला होता है यार, फेल हो जाए कोई मसला नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। टेंशन नहीं लेनी आपने। नहीं यार टेंशन लेनी नहीं है, रमजान चल रहा है यार। मोहम्मद बात सुन। जी जी। कम से कम 30 में से 30 तो मेरे आएंगे। हाँ तो यार अगर फेल भी हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। एक ना जो रमजान में पेपर है इसका एक फॉल्ट है वो ये है कि रमजान में ना बंदा चीटिंग नहीं कर सकता। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो मैं तो यार बिल्कुल फुल स्टडी किया, रात को तैयारी किया पेपर की, मेरे तो 30 में से 30 आएंगे। पेपर कब है फिर? अगला पेपर शायद कल है। कल है? कल है। तो उसकी तैयारी वगैरह करने का प्रोग्राम है या नहीं है? इंशाल्लाह इधर से जाके सोएंगे फिर उस मुताबिक लिखेंगे इसके बाद। तैयारी वैसे अगर ना भी करें ना तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पे लिखें तो भी बंदा पास हो जाता है। हाँ, बहुत इजी पेपर होता है। हाँ सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे रमजान पेपर होने नहीं चाहिए क्योंकि जो बेचारे बच्चे आपकी तरह होते हैं, नालायक होते हैं, वो नहीं कर सकते। तो कम से कम उनके पास एक चीटिंग वाला रास्ता होना चाहिए ताकि वो पेपर कर लें। सही बात है, अभी देखो हालत बुरा हालत रमजान का। हाँ भाई बताओ आप अपना कौन सा दुख बता रहे थे आप? यार दुख ये है कि 12-12 घंटे दूर सफर जीजी खान से हम इधर पढ़ने के लिए आए हैं और बंदा फिर भी फेल हो जाए, अरमान तो लगता है। खुशी कर लेनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। यार बस गलती है पटना। तो आपने कोई तैयारी वगैरह की थी घर पे या नहीं की थी? वो तैयारी पेपर में तैयारी कहाँ थी, वो उनकी क्या तैयारी करते हैं हम, हमें पता नहीं था क्या किधर थे यार। हमारे कोर्स में तो नहीं था ये पेपर यार, पेपर कोर्स में था। अगर आपके पास सेल्फ कॉन्सेप्ट होता फिर भी पेपर कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट का नहीं पता तो वो होता क्या, तो क्या पता। नहीं रुक, कहाँ से आते हैं आप? फिर माशाल्लाह से कामयाब हैं इंशाल्लाह। जनाब क्या हाल है, कैसा हुआ पेपर आपका? बस ठीक, गंदा पेपर हुआ, गुजारा हो गया। बस पास हो जाएंगे? बस गुजारा होगा, दुआ से पास होंगे। थोड़ा सा गुमशुदा भाई है, गुमशुदा यार। अब ना मैं यूनि से निकल आया हूँ, वापस तो चलते हैं रूम पे, रेस्ट वगैरह करते हैं, नींद नहीं पूरी हुई तो रेस्ट करते हैं। तो यार फाइनली मैं ना अब इसके लॉक को कर रहा हूँ यहीं पर एंड। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आई नो यार व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं तो उसके पीछे ये है कि यूनि वगैरह जाना होता है, अब रोज़ तो व्लॉग मैं नहीं बना सकता, स्टडी वगैरह भी साथ साथ चल रही है तो सब चीज़ों को ना मैनेज करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस यही रूटीन चल रही है, रमज़ान है तो अब हमारे पेपर्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं मिड, तो ये ख़त्म होने हैं, फिर ईद पे कोई शुगर मेला लगाएंगे। तो दैट्स इट, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।